प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर थे। पीएम मोदी अहमदाबाद, मेहसाणा, नवसारी का कहरा शुरू किया। अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। किसानों के आंदोलन के बीच मोदी ने गुजरात के किसानों को तोहफा भी दिया। आज अहमदाबाद में पीएम ने अमूल फेडरेशन के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में शिरकत की। यहां उन्होंने अमूल डेयरी की ऑटोमेटिक प्लांट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 1 बजे अपने गृह जिले मेहसाणा पहुंचे और यहां के वालीनाथ महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो शामिल हुए। करीब 5 लाख लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे। वालीनाथ को गुजरात का सोमनाथ के बाद दूसरा सबसे बड़ा शिवधाम माना जाता है। पीएम मोदी ने यहां 1 महीने पहले हुए राम मंदिर के उद्घाटन का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने रोड शो भी किया और विकास योजनाओं की गुजरात को सौगात दी। इसके बाद आखिरी कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का नवसारी में रहा। यहां मित्रा पार्क का भूमि पूजन किया, साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई दूसरी जगह अलग अलग योजनाओं का ई लोकार्पण भी किया। और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचेंगे। कल पीएम मोदी का दिन भर वाराणसी में रहने का ही कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में 14,000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करने वाले हैं। मोदी का ये जो दौरा है वो इस मायने में भी अहम हो जाता है क्योंकि चुनाव के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री का ये अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आखिरी दौरा माना जा रहा है। और चुनाव के ऐलान से पहले के इस आखिरी दौरे में मोदी पूर्वांचल में दूध की गंगा बहाने वाले हैं और ये कैसे होगा इस रिपोर्ट को देखकर समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वाराणसी में इस बनास डेयरी का उद्घाटन करेंगे। अमूल के सबसे बड़े प्लांट के जरिए पूर्वांचल में दूध की गंगा बहाने का इरादा है। बनास डेयरी इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण करीब 30 एकड़ में हुआ है। बताया जा रहा है कि अभी इससे वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर जिले के लोगों को फायदा होगा, बाद में इसका दायरा बढ़ेगा। कृषि आधारित और ग्रामीण आधारित जो दूध है या एग्रीकल्चर को सभी में काम कोऑपरेटिव के माध्यम से करेंगे। आने वाले दिनों में धीरे धीरे और भी एग्रीकल्चर को भी इन्वॉल्व इनमें करेंगे। काशी से बहने वाली दूध की धारा पूर्वांचल के 1,000 से ज्यादा गाँव में बहेगी। करीब 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। पूर्वांचल के किसानों और गोपालकों की आय दोगुनी होगी। इस प्लांट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 दिसंबर 2021 को किया। इसके अलावा नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 14,316 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कल पीएम संत रविदास मंदिर जाएंगे, जहां पर वो संत रविदास के दर्शन करेंगे और लंगर चखेंगे। यहां संत रविदास जी की 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही मंदिर के आसपास 100 करोड़ रुपए से होने वाले विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मूर्ति और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास जो उसी मंदिर के आसपास होना है वो 100 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। इलेक्शन से पहले का उनका लगभग अंतिम दौरा है, इसीलिए जो प्रशासन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी भी तैयारी है उन सब का लोकार्पण शिलान्यास उनके कार्यक्रमों से कराया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को दी जा रही है आखिरी सौगात। यहां प्रधानमंत्री रैली को भी संबोधित करेंगे। लगभग 14,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का या तो शिलान्यास या तो लोकार्पण करेंगे। दूसरे भी जिलों से लोगों के मोबाइल के द्वारा सूचनाएं आ रही हैं कि हम लोग भारी संख्या में माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए चलेंगे। प्रधानमंत्री 2 बार से वाराणसी से ही सांसद हैं और माना जा रहा है कि 3री बार भी मोदी वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़
आपको रखे आगे।